वेलकम स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ये बार बार रिक्वेस्ट आ रही कि सर मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर एप्लीकेशन बता दीजिए, क्या याद करें। मैंने आप लोगों के लिए ये टेंशन कि बिल्कुल आपके करने की ज़रूरत नहीं है वो ट्रिक बनाई है कि अब लेटर कोई सा भी आ जाए, कोई सी भी एप्लीकेशन आ जाए, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रिक आप ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 4 क्वेश्चंस लिए अलग अलग तरीके के, ताकि आप लोग समझ सकें कि कोई सा भी क्वेश्चन वो दे सकता है और कोई सा भी क्वेश्चन दे दे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो आंसर लिखकर आएंगे पक्का। देखिए, राइट अ लेटर टू द हेड पोस्ट मास्टर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन योर लोकेलिटी। यानी आपके लोकेलिटी कॉलोनी में जो लेटर्स हैं उनकी डिलीवरी यानी कि सप्लाई रेगुलर है, यानी टाइम पर पोस्ट में नहीं आता है, ठीक है। नंबर 2, यू आर राखी और राम लिविंग इन अजमेर, राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग हिम और हर अगेंस्ट द इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ योर लोकेलिटी। तुम्हारी लोकेलिटी में इनसैनिटरी यानी गंदगी हो रही है, उसकी स्थिति के बारे में इसको लिखना है आपको म्यूनिसिपल कमिश्नर, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़ पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द बेड रोड्स एंड ड्रेन्स इन योर लोकेलिटी। ये एडिटर को लिखना है कंप्लेन वाला। और राइट एन ऑफिशियल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम। अब आप यहाँ पर देखिए, कंप्लेनिंग है और यहाँ पर भी क्या है आपके कंप्लेनिंग, यानी कि कुल मिलाकर चारों में शिकायतें 4 में नहीं 400 आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब बार मैंने यहाँ पर वो चीज़ नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पर हर स्टूडेंट जानता है कि शुरुआत में आपको वही क्या लिखता है, यहाँ मैं नहीं लिख रहा। कि और बच्चे को और सब जमाना आता है, वो एड्रेस भी लिख देगा, डेट लगा देगा, जिसको लिखना है वो लिख देगा। मेन मैटर उसके यहाँ चक्कर पड़ता है इस जगह की, यहाँ क्या लिखूँ मैं, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, नाम पता सब लिख देता है, अधिकतर बच्चे लिख देते हैं। ये जो मेन सेंटर पार्ट है यहाँ पर उसको दिक्कत आती है। लेकिन एक बात तो ये ध्यान रखिए कि यही नहीं होता है लेटर में, कॉपी में भी चेक करता हूँ। लेटर का मतलब ये नहीं होता है कि आपने ये लिखा इसी के मार्क्स हैं, लेटर का जो आप फॉर्मेट बनाते हैं उसके मार्क्स होते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखो, आपने जो डेट लगाई, आपने स्थान लिखा, डेट लिखी, जिसको आप लिख रहे हो वो लिखा, उसका पता लिखा, सब्जेक्ट लिखा, सर लिखा, नीचे थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, फेथफुली, आपका नाम लिखा, ये सब के मार्क्स होते हैं। लेटर के मार्क्स ऐसे नहीं होते कि पूरे 6 नंबर का है तो पूरे 6 मार्क्स इसी के आगे, नहीं, मात्र ये आपके 2 मार्क्स का होता है ये मैटर, जिसकी आप सबसे ज़्यादा टेंशन कर रहे हो कि इसको क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे। पहली बात तो ये टेंशन हटा दो कि इसमें क्या लिखेंगे, 4 मार्क्स तो आपकी जेब में रखे हुए हैं, इसलिए छोड़ना बिल्कुल नहीं है। मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, छोड़ते क्यों हैं क्वेश्चंस को, नहीं आया कैसे नहीं आया, आएगा। देखो, ये देखिए, आपने ये 4 क्वेश्चंस आए हैं, अब आपको मैंने बता दिया, अभी वो भी लिख के बता दूंगा, या बोर्ड पर जगह कम है तो मैं सीधा यहाँ पर आ गया। तो आपको सबसे पहले वो एड्रेस लिख दोगे, डेट लगा दोगे, मान लीजिए अजमेर का हो का पता है तो आप कोई सा भी काल्पनिक एड्रेस लिख सकते हैं, मान लो 24 शिवाजी कॉलोनी अजमेर, डेट लगा दिया आपने जो भी 22 मार्च 2023 लगा दी, ठीक है। अब किसको लिख रहे हो साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर को लिख दिया, द म्यूनसिपल कमिश्नर कहाँ का है, अजमेर का है, अजमेर लिख दिया। इसके बाद में आगे सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट के मैंने हर वीडियो में बता रखे हैं, फिर बता देता हूँ, अधिकारी को जहाँ पर लिखते हैं, कोई से भी अधिकारी को, उसके बाद में आपको 4 प्रीपोजिशन मिलेंगे, 2 on about 4, ध्यान रखना, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 on about और 4, अधिकारी के बाद मिलेंगे कि ये एप्लीकेशन लिखी है, ये पत्र लिखी है वहाँ पर। ये देखिए, ये अधिकारी, ये रहा हेड पोस्ट मास्टर, किसकी शिकायत करनी है, कंप्लेनिंग, और ये अगेंस्ट, यानी 4 के इसमें अपन अगेंस्ट भी लगा सकते हैं, के खिलाफ, अगेंस्ट भी एक और जोड़ लेते हैं, ये अगेंस्ट, 5 हो गए, 2 on about 4 अगेंस्ट। तो आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है, सीधा द इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स, ये सब्जेक्ट हो गया। इसमें सब्जेक्ट कहाँ से लिखेंगे, ये अधिकारी रहा, ये किसकी शिकायत है, अगेंस्ट द इंसेनिटरी, द इंसेनिटरी कंडीशन, ठीक है। इसमें फिर लिखिए, ये एडिटर को लिखना है, किसकी शिकायत है, अबाउट, ये मिल गया, अबाउट द बेड रोड्स। फिर नंबर 4 में किसको लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है, किसकी शिकायत है, इसके बाद मिलेगा,
अबाउट, ये मिल गया अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम, ये एक अंक आ गया हमारे सब्जेक्ट लिखने का, सर लिखा। अब देखिए एडिटर वाला आता है तो ये लाइन लिख देना, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज। कोई सा भी कंप्लेन वाला लेटर हो ये लाइन से शुरुआत करना, किसमें, एडिटर वाले में, ठीक है। और बाकी फिर ये जो बाद की लाइन्स है ये इसमें प्लस कर देना एडिटर वाले में, ठीक। ये तो हो गया एडिटर का मामला। आगे बढ़े ऑफिसर को, किसी अधिकारी को, ऑफिसर कौन है यहाँ पर, अधिकारी कौन है, ये हेड पोस्ट मास्टर, अधिकारी, एडिटर अखबार वाला थोड़ी अधिकारी। फिर आगे बढ़े म्युनिसिपल कमिश्नर, जो आपके मेयर होता है, नगर पालिका अध्यक्ष होता है उसको, ठीक है, ये भी अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी है। इसके बाद में किसको लिखना है हमें, एडिटर हो गया, प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल भी अधिकारी होता है, ये अधिकारी हो गया, तो प्रिंसिपल को, तीनों को लिखना है। इनकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, आप देखिए यहाँ से, ठीक है, ऑफिसर प्रिंसिपल वाले में, विद रेस्पेक्ट आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस डेट द पीपल। अब ध्यान देना यहाँ मैंने स्टूडेंट्स ओब्लिक पीपल लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि स्कूल का आएगा तो कॉलोनी के लोग परेशान है, मान लीजिए रेगुलर लेटर्स नहीं आ रहे तो स्टूडेंट्स थोड़ी परेशान है, कॉलोनी के लोग तो पीपल लिखेंगे। यहाँ पर आपके इनसेनेटरी कंडीशन है, गंदगी हो रही है तो पीपल लिखेंगे, और एडिटर को भी पीपल लिखेंगे, और क्लास स्कूल से रिलेटेड है वहाँ पीपल न लिखकर क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स। अब बारहवीं में हर हो तो हर बच्चा इतना तो कर सकता है कि स्कूल का लिख रहे हो तो स्टूडेंट्स लिख देना और स्कूल का नहीं लिख रहे हो तो पीपल लिख देना, ठीक है। आगे बढ़े ऑफ द लोकेलिटी सिटी, अब लोकेलिटी सिटी ओब्लिक ओब्लिक क्यों किया, क्योंकि लोकेलिटी का आया है तो लोकेलिटी लिख देना, इसमें आया है साफ सिटी का तो सिटी लिख देना, इसमें आपके स्कूल में क्लासरूम का आया है, क्लासरूम का तो क्लास लिख देना, और पूरे स्कूल में मान लो पानी की समस्या है, बेड टॉयलेट्स डर्टी टॉयलेट्स हैं तो फिर पूरा स्कूल लिख देना, क्लास हटा देना, इतना कर सकते हो। हैव बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ, अब यहाँ पर एग्जामिनर को एक बार दिखा देंगे कि हाँ लिखी तो इसने यही है, तो ये जो आप सब्जेक्ट लिखो ना, अब इस किसके बारे में, कौन सी समस्या है, द पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम, ये रही। अब ये योर का इतना सा कर देना, योर का आवर कर देना, योर का ये वाई हटा देना, यहाँ पर आवर कर देना, द पुअर कंडीशन ऑफ आवर क्लासरूम। हर देखिए क्या बनेगा, विद रेस्पेक्ट सम्मान से आई ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस डेट द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, अब क्लासरूम की है ना, अब आपकी क्लास है तो ऑफ द ट्वेल्थ क्लास, हैव बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ, अब आपकी प्रॉब्लम किसकी है, द पुअर कंडीशन ऑफ आवर क्लासरूम, या द पुअर कंडीशन ऑफ आवर भी नहीं लिखो तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, योर आवर हटा दो, द पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम, ये लिख दी। यहाँ पर समस्या क्या है, द सैनिटरी कंडीशंस ऑफ योर लोकेलिटी, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रॉब्लम ऑफ द इनसेनेटरी कंडीशन, ये यानी जो सब्जेक्ट लिखो ना वही वहाँ समस्या में लिख देना। फिर आगे बढ़ो, द पीपल स्टूडेंट्स आर मच वरीड, अब समझ गए, पीपल वाले में पीपल, स्कूल वाले में स्टूडेंट्स आर मच वरीड, वी ऑल वॉन्ट द क्विक सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, हम इस समस्या का जल्दी से समाधान चाहते हैं, वी हैव कंप्लेंड अबाउट इट मेनी टाइम्स बिफोर बट नो एक्शन हैज बीन टेकन इट, हमने इस बारे में कई बार शिकायत कर दी लेकिन अभी कोई एक्शन नहीं लिया। अब सभी में चल रही है ये बात, हर किसी में, विद अ ग्रेट होप, बड़ी आशा से, वी आर राइटिंग यू, हम आपको लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ रुक जाओ, अब अधिकारी को लिख रहे हो तो चलते जाओ, प्लीज लुक इन टू द मैटर एज अर्ली एज यू कैन एंड डू द नीडफुल, ठीक है, केवल एक में प्लीज कृपया इसे प्रकाशित करें, इसे छापें। अब ये कौन प्रकाशित कौन करेगा, अधिकारी थोड़ी करेगा, तो ये किस में लिखना है, स्टार बना दिया मैंने, ये लाइन किस में लिखनी है आपको, एडिटर वाले में, बाकी और में नहीं लिखनी। तो इस प्रकार ये हो गया, और लास्ट में वही थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, और आपका नाम जो भी दिया उसने, राखी राम, इस प्रकार से आपका ये लेटर ऑफ कंप्लेन आराम से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बिजनेस लेटर भी समझ लेते हैं, अगर मान लीजिए लेटर भी बिजनेस लेटर आ गया, वो भी कंप्लेन का आ गया आपके, कि उसमें भी किसी प्रोडक्ट को आपने खरीदा और उसमें कोई डिफेक्ट आ गया, खराबी आ गई, उसको शिकायत करने की, रिप्लेस करने की, तो बिजनेस लेटर भी कंप्लेन का होता है, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, एक इमेजिन यू आर अरुण अरुणा, और आप शास्त्री नगर अलवर में रहते हैं, और आप कस्टमर
सर्विस है जो श्री राम इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसको एक पत्र लिखिए, कंप्लेन कीजिए अबाउट, वही अबाउट मिल गया, डिफेक्ट इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है, और परचेज फ्रॉम द स्टोर। तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं, जैसे मैंने रिप्लेसमेंट वाला लिखा था, आप इस रिप्लेसमेंट की जगह पर क्या लिख सकते हैं, वहाँ पर आए तो डिफेक्ट इन द रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं अबाउट द डिफेक्ट, ठीक है, और रिप्लेसमेंट का है तो रिप्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने एक वर्ड लिया है ये एक रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर की जगह पर वो कोई सा भी आइटम आपके प्रोडक्ट दे दे। मान लीजिए यहाँ पर आपने दे दिया वॉशिंग मशीन, ठीक है, ये वॉशिंग मशीन यहाँ पर आपने खरीदी। मान लीजिए आपने यहाँ से कोई मोबाइल खरीदा, ठीक है, आपने यहाँ से मान लीजिए एलईडी खरीदी, टीवी खरीदी, कोई सा भी प्रोडक्ट आपने खरीदा जो कि इसकी जगह पर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इस जगह पर वो उसकी छाव जो दे दे, हमें तो ये याद करना है, कोई सा भी प्रोडक्ट दे दे, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही पता इसने दिया शास्त्री नगर अलवर दिया है तो लिखेंगे, नहीं दिया होता तो हमारा लिख देते 86 शास्त्री नगर अलवर, डेट लगा दी। कस्टमर सर्विस मैनेजर को ये बोल रहा है कि कस्टमर सर्विस मैनेजर को लिखो, तो कस्टमर सर्विस मैनेजर को लिख दिया, पता इसका लिख दिया श्री राम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसने दिया हुआ है। अब कहाँ रहते हो आप अलवर, तो दुकान भी कहाँ होगी, अलवर में, अलवर लिख दिया। सब्जेक्ट मैंने बता दिया निकालना, 2 on about 4 से ये लिख दिया सब्जेक्ट, ठीक है। अभी बताया सर ये कॉमन है, ये वाली आपका समय नहीं लूंगा, एग्जाम में बहुत ही कम समय रह गया, बस आपको क्या करना ये है, और यहाँ पर जहाँ पर मैं ये आपको बॉक्स बना रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, बस आपको वो प्रोडक्ट लिखना है जो आपने खरीदा। जैसे वॉशिंग मशीन खरीदी, तो इस जगह पर जहाँ भी मैं मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है मैं कहीं भूल जाऊँ, तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पर मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने 10 मार्च को, क्योंकि आप 22 मार्च को लिख रहे हो शिकायत, तो 10 मार्च को खरीदा था आपके यहाँ से एक रेफ्रिजरेटर सैमसंग आई स्कूल मॉडल TX154। आप मशीन में भी यही चला सकते हैं, मशीन भी आती है सैमसंग की, मोबाइल भी आता है, एलईडी भी आता है, यानी पूरा कॉमन चला सकते हो। वहाँ कौन देख रहा है लिस्ट लेके मॉडल है कि नहीं, और ये लिख दिया अपडेट आज, कल तक तो ये काम कर रहा था लेकिन आज से ही ये काम नहीं कर रहा है, मैंने कस्टमर केयर को भी कॉल कर लिया, उनकी एडवाइस को भी मान लिया कि भाई कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, लेकिन इसकी समस्या तो बनी हुई है, यह प्रोडक्ट अभी वारंटी पीरियड में है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे ये चेंज करके नया दीजिए, धन्यवाद योर्स फेथफुली अरुण। यानी पूरा कॉमन है, दो जगह ही आया है रेफ्रिजरेटर, वहाँ पर जो है वो लगा देना, फ्री है, जिसमें कंप्लेन वाला बिजनेस लेटर भी, ठीक है। तो ये भी आप कंप्लीट कर लीजिए, यानी कि कोई सा भी आ जाए, अब एडिटर वाला आ जाए, प्रिंसिपल वाला आ जाए, अधिकारी वाला आ जाए, या बिजनेस लेटर में कंप्लेन वाला आ जाए, सब लिख दोगे आप कॉमन वाला। थैंकिंग यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए, और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, ईश्वर से प्रार्थना है आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए, मेरे से जितना हो सका मैंने प्रयास किया, आगे आप और हम दोनों को ही ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी कि आपका पेपर कल का बहुत अच्छा जाए। Thanking you, best of luck, God bless you all. Thank you again.